हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक नंबर 4, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो इसके अंदर हम करेंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव, सिंगल, मल्टीपल, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्सेस। तो लेट्स स्टार्ट। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि रियली पेड बाय पर्सन, जिस पर्सन पे वो टैक्स लगा है वो ही पर्सन पे करेगा। इसका जो इम्पैक्ट है और जो इंसिडेंस है वो दोनों ही सेम पर्सन पे होगा, और इस टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे पर्सन पे। जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स वाला पर्सन इनकम पे ही लग रहा है ना टैक्स, तो जिस पे जिसकी इनकम है, जितनी इनकम है उतना ही वो पे करेगा, ठीक है। वो इनकम टैक्स कोई और पर्सन आके तो पे नहीं करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? सीधा डायरेक्टली उसी पर्सन पे लग रहा है जो उसका बेनिफिट ले रहा है। जिसकी जितनी इनकम हो रही है उतना ही वो पे कर रहा है, जो बेनिफिट लेगा वो ही टैक्स पे करेगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स है, हम किसी और से इनकम टैक्स नहीं कर पे करवा सकते। या जैसे अगर हमारे जो कस्टमर है, अगर हम सपोज हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम वो किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये हमें ही देना पड़ेगा। तो देन आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये हम सेकंड पर्सन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें पार्शली और होली वो दूसरा पर्सन ही पे करेगा, चाहे वो इनडायरेक्टली वे में कोई थर्ड पर्सन आके पे कर रहा है। जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो दोनों ही अलग पर्सन पे है, ठीक है। ये इम्पैक्ट और इंसिडेंस का मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी कि ये क्या चीज़ होता है, ये क्या है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग पर्सन्स पे होता है, ये हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई पेन लिया या कुछ भी, हम सपोज हम कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हैं या कोई रिटेल शॉप से ब्रेड मैगी खरीद रहे हैं कुछ भी, तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अगर उन वो टैक्स पे कर रहे हैं, सपोज जहाँ पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं वहाँ पे टैक्स लगा, तो उसने चार्जेस बढ़ाए, ब्रेड पे ऐड किए, जैसे कोई भी गुड्स है उस पे ऐड करे, नेक्स्ट पर्सन को दिया, देन नेक्स्ट पर्सन ने टैक्स पे किया, देन उसने आगे और बढ़ा के प्राइस पे करा, फिर अल्टीमेटली वो एंड किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पे पड़ता है, वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे GST, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा टैक्स पे करना चाहिए, मतलब हमारे कौन कौन सा टैक्स लग सकता है, सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर प्रोपोर्शनल टैक्स। तो प्रोपोर्शन से पता चल रहा है, प्रोपोर्शन मतलब 10%, 25%, 30%। तो ये किसके अकॉर्डिंगली लगेगा? इनकम। ये कहते हैं कि हमारी कोई भी इनकम हो सभी पे सेम टैक्स लगेगा। अगर 10% रेट है तो 10% ही इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स सेम रहेगा, लिंक कोई टैक्स पेयर की इनकम पे कोई नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनल है, जैसे कि 1000 इनकम है तो 10%, 2000 है तो भी 10%, 3000 है तो भी 10% ही लगेगा। देन आ जाता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेस से पता लग रहा है, प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी प्रोग्रेस कर रहा है। तो जैसे इसके अंदर जिसकी हायर इनकम है वो हायर टैक्स पे करेगा, जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स पे करेगा। जैसे यहाँ पे है 10% है, ठीक है, 100 है तो 10,000 इनकम है 10% लगेगा, 2000 हुई तो 15% पे करेगा, अगर 3000 है तो 25% पे करेगा। तो ये प्रोपोर्शनल से ज़्यादा बेटर है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शनल में वो 100, 200, 300, इसके अंदर जो पुअर है, पुअर पीपल को ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स बर्डन पे करना पड़ता है। प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता, जितना उनकी रेशियो बनती है उनकी भी, मतलब ज़्यादा रिच लोगों को भी उतना ही पे करना पड़ेगा जितना पुअर पीपल को पे करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव में थोड़ा उल्टा हो जाता है, जिसकी हाई इनकम है वो कम टैक्स पे करेगा, ये प्रोग्रेसिव से उल्टा है। वो प्रोग्रेस कर रहा था, ये रिग्रेस उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टैक्स कम होगा। इसमें ये वेलफेयर स्टेट के अकॉर्डिंगली ये अगेंस्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें जैसे वो कह रहे 1000 इनकम है तो 10%, 2000 है तो 8%, 3000 है तो 6, तो मतलब कि क्या है, जैसे जैसे इनकम, इसमें क्या है, मेनली जो पुअर पीपल है उन पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्डन पे कर रहा है, और जो रिच है उनको क्या मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, उनको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, उनकी इनकम भी इतनी ज़्यादा, उनको टैक्स भी कम पे पर। तो ये वैसे जनरली ये अप्लाई नहीं होता रिग्रेसिव टैक्स का, ठीक है। देन आ जाता है डिग्रेसिव टैक्सेशन। तो ये माइल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स है और ये दोनों का मिक्सचर है, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव, ठीक है। इसमें सर्टेन लिमिट तक, मतलब एक लिमिट फिक्स कर दिया है, जिसमें वहाँ पे
इनकम में चेंज आने से कोई टैक्स रेट में चेंज नहीं आएगा, मतलब कि जो स्टार्टिंग की इनकम है उस पर प्रोपोर्शनल टैक्स लगेगा, देन आगे इनकम आने पे क्या कौन सा टैक्स लगेगा हमारा, रिग्रेसिव टैक्स लगेगा। हाई इनकम लेस सेक्रीफाइस करेगी, लो इनकम ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगी। तो जैसे ये कह रहे हैं कि 5,000 है तो हम 5% पे करेंगे, 2,000 हुई तो 6% पे करेंगे। फिर जैसे और इनकम बढ़ती है ना तो ये बढ़ेगा, टैक्स परसेंटेज बढ़ेगा, पहले 5 है फिर 6 है फिर 1 हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन आ जाता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एक तो होता है सिंगल एक मल्टीपल। ठीक है, सिंगल टैक्स में एक ही आइटम पे एक बार ही टैक्स लग रहा है, वन काइंड ऑफ टैक्स। तो दिस टाइप ऑफ टैक्स नॉट ओनली वंस बट ये रेगुलरली इंटरवल पे लगता है, लॉन्गर टाइम पीरियड तक लगता है। मल्टीपल टैक्स है कि एक ही कॉमोडिटी है उस पर बहुत सारे टैक्स लगे, मोर देन वन टैक्स आर लेविड विद डिफरेंट टैक्स बेस और रेट, अलग अलग टैक्स का रेट है, अलग अलग उसका बेस है। देन आ जाता है स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जो स्पेशल या स्पेसिफिक गुड्स है, क्वालिटीज है, उस पर ही टैक्स लग रहा है। जैसे जीए किस पे लगता है, वेट साइज और वॉल्यूम को देख के लगता है। जैसे क्लोथ है तो वो क्लोथ पे कैसे टैक्स लगेगा, उसकी लेंथ की यूनिट देख के लगेगा। शुगर है तो उसके वेट के अकॉर्डिंग लगेगा, टेलीविजन है तो उसके साइज के अकॉर्डिंग लगेगा। देन एड वैलोरम टैक्स तो ये कॉमोडिटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, इसमें वैल्यू को देखा जाता है ना कि साइज लेंथ और वेट को देखा, उसकी वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। तो ये ही इम्पोर्टेंट है टैक्स के, बाकी तो ऐसे ही है टैक्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन कौन से हमारे थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव, सिंगल टैक्स, मल्टीपल टैक्स, स्पेसिफिक्स एंड एड वैलोरम टैक्स। तो आज का टॉपिक ये भी हमारा ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।